हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे। और पाइथन लेक्चर सीरीज में गाइस हम पढ़ रहे हैं 9th चैप्टर को। 9th चैप्टर में गाइस हम नंबर बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें गाइस प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको PIP इंस्टॉलेशन बताया था, क्योंकि नंपाय बेसिक्स पढ़ने के लिए यानी नंपाय पढ़ने के लिए हमको PIP की इंस्टॉलेशन की आवश्यकता होती है। पर गाइस PIP को सेट करने के लिए, उसमें PIP से रिलेटेड सेटिंग्स करने के लिए कई बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे सेटिंग्स नहीं हो पाती है, तो हम आज उसके अल्टरनेट सॉफ्टवेयर की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको थीम पे देख के पता चल गया होगा कि हमारी थीम में एनाकोंडा इंस्टॉलेशन। तो गाइस आज हम PIP इंस्टॉल करने से जो परेशानी हमको हो रही है, हमारा PIP इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, उस परेशानी को दूर करने के लिए यानी उन PIP इंस्टॉलेशन से बचने के लिए हम आज एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, जिसमें हम एनाकोंडा के अंदर एक जुपिटर नाम की नोटबुक होती है उसको लॉन्च करेंगे। आइए गाइस, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम एनाकोंडा को डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल करना सीखते हैं, और साथ ही साथ सीखते हैं कि जुपिटर नोटबुक किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हम जुपिटर पे काम कर सकते हैं। आइए गाइस, तो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस गूगल सर्च इंजन पे एनाकोंडा टाइप कीजिए, एंटर करिए। उसके बाद गाइस पहली लाइन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद राइट हैंड साइड देखिए गेट स्टार्टेड लिखा हुआ, इस पर क्लिक करिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करिए। और एनाकोंडा डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, तो यहाँ देखिए विंडोज़, मैक, लिनक्स 3 प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं। मेरे सिस्टम में विंडोज़ है, इसलिए मैं विंडोज़ सपोर्टिंग एनाकोंडा को डाउनलोड कर रही हूँ। यहाँ देखिए एनाकोंडा डाउनलोड हो रहा है और ये कुछ ही टाइम लेगा डाउनलोड होने में, जल्दी डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है। और डाउनलोड हो जाने के बाद क्लिक करिए इसको, मिनिमाइज कर देते हैं हम अपने एप्लीकेशंस। यहाँ पे देखिए एनाकोंडा का सेटअप स्टार्ट हो चुका है, इसको जस्ट हमें इंस्टॉल करना है। जैसे जैसे मैं स्टेप बता रही हूँ, आप इसको देखते जाइए और इंस्टॉल करते जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनाकोंडा इंस्टॉल हो रहा है। एनाकोंडा इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लगेगा। ओके, इंस्टॉलेशन के बाद गाइस नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, नेक्स्ट कर दीजिए। फिर से नेक्स्ट करिए गाइस, उसके बाद गाइस नेक्स्ट कर दीजिए, उसके बाद वेबसाइट को क्लोज या मिनिमाइज कर दीजिए। उसके बाद सर्च ऑप्शन में एनाकोंडा लिखिए, यहाँ पे देखिए मैंने एनाकोंडा नेविगेटर क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल डाउन कीजिए और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इस तरीके से जुपिटर मिलेगा, जिसको आप लॉन्च कर दीजिए। इस तरीके से लॉन्च हो रहा है जुपिटर, देखिए ब्लू लाइन चल रही है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और इसके बाद ये लॉन्च होते इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने आएगी। उसके बाद अवेलेबल लिंक पे क्लिक कर दीजिए। लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब हम ये जो स्क्रीन आपको सामने दिख रही है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, या फिर आप चाहें तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, और हम दोबारा से अपने एनाकोंडा को स्टार्ट करके देख लेते हैं। अब सर्च में जाइए और सबसे पहले यहाँ पे लिखिए सर्च में जुपिटर। जुपिटर के बाद जुपिटर की ऐप पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक हो जाने के बाद इस तरीके से शैल ओपन होगा, थोड़ा टाइम दीजिए इसको। ऑटोमेटिक आपकी जुपिटर की विंडो ओपन हो रही है। लिंक पे क्लिक करिए, वापस से देखिए अगेन ये स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। अब न्यू पे जाइए और पाइथन 3 के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए इस तरीके से ये प्रोग्रामिंग के जो एरिया है वो आपके सामने आ रहा है। अब आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करिए। सेम उसी तरीके से प्रोग्राम लिखिए जैसा मैंने आपको लिखना सिखाया था चैप्टर नंबर 9 पार्ट नंबर 2 के लेक्चर सीरीज में।
ठीक है, जिसमें मैंने आपको एरे का प्रोग्राम लिखना सिखाया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम लिख दीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करके देखिए, प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चला कर देखिए और ध्यान दीजिए, रन स्क्रीन पे प्रोग्राम लिखने के बाद आपको रन स्क्रीन पे क्लिक करना है, उस रन स्क्रीन पे लिखने के बाद ही आपका प्रोग्राम रन करेगा। अब जो भी चीज़ें मैं लिख रही हूँ यहाँ पे टाइप आर और इस तरीके का जो भी प्रोग्राम लिख रही हूँ, ये पूरा प्रोग्राम मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ, तो इस प्रोग्राम को आप दोबारा से लिख कर देखिए और रन करके देखिए। तो देखिए इस तरीके से सारे आउटपुट आपके सामने आ रहे हैं। तो इसमें नंपाई को अलग से पैकेज को इंस्टॉल करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट एनाकोंडा को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और उसमें जुपिटर को लॉन्च कर दीजिए, बस उससे ही आपकी नंपाई की प्रोग्रामिंग चल जाएगी बड़ी आसानी से। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय।